त्रिकोणमिति के उपयोगी सूत्र कक्षा दसवीं के प्रश्नों को त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के लिए ये सूत्र बहुत ही उपयोगी है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉसिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसिक थीटा, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर एक, सेक वर्ग थीटा बराबर एक धन टेन वर्ग थीटा, कॉसिक वर्ग थीटा बराबर एक धन कॉट वर्ग थीटा, साइन थीटा बराबर लंबा बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंबा बट्टे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। हम एक क्वेश्चन देते हैं, सिद्ध कीजिए कि साइन 70 बटे कॉस 20 धन कोसेक 20 बटे सेक 70 ऋण 2 cos 70, 2 cos 70 इंटू कॉसिक 20 बराबर इसका आंसर होता है 0। ये हमें 0 सिद्ध करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये है, साइन 70 बटे cos 20 धन कॉसिक 20, कॉसिक 20 बटे सेक 70 ऋण 2 cos 70 70 इंटू cos 20। साइन 70 अंश को हम लिख सकते हैं 90 ऋण 20 बराबर होता है 70, तो इसको लिख देंगे साइन 90 अंश ऋण 20 अंश बटे कॉस 20 धन कॉस 20 को लिख सकते हैं कॉसिक 20 को लिख सकते हैं कॉसिक 90 ऋण 70 बटे सेक 70, क्योंकि हमको इसी में चेंज करना है इसलिए हम इसकी वैल्यू को बदल रहे हैं, ऋण 2 इंटू कॉस 90, इसको भी लिख सकते हैं 90 माइनस 20 इंटू कॉसेक 20। अब देखते हैं आगे, साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह 20 दिया है तो ये हो जाएगा कॉस 20 बटे कॉस 20 धन कॉसिक 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, थीटा की जगह 70 दिया है तो यहाँ हो जाएगा कॉसिक 90 माइनस 70, 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा, यहाँ 70 दिया है तो सेक 70 हो जाएगा, सेक 70 बटी सेक 70 ऋण 2 कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 20 गुणित कॉसिक 20, कॉसिक 20 कॉसिक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, थीटा की जगह 20 है तो 1 बटे साइन 20 हो जाएगा। देखते हैं ये कट जाएगा तो इधर बचा 1, ये कट गया तो इधर भी बचा 1 ऋण 2, 20 से 20 साइन 20 कट गया तो इधर बचा 2 गुणित एक, तो एक धन एक बराबर 2, 2 गुणित एक बराबर 2, 2 माइनस 2 बराबर 0। ये हमारा राइट हैंड साइड आंसर निकल आया 0, ये हमको जो सिद्ध करना था इसकी वैल्यू आंसर निकालना था 0, तो ये हमारा आंसर आ गया 0। यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।